और कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं अमित शाह। एक तरह से लोकसभा चुनाव का ये शंखनाद हो जाएगा। क्लस्टर की बैठक में वो शामिल होंगे। बस्तर, कांकेर और महासमुंद क्लस्टर की बैठक होनी है। खास बात, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। मिशन 11 पर मंथन होगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट, फिलहाल 2-9 का आंकड़ा है। 9 की जीत को 11 तक करने पर मंथन होगा। छत्तीसगढ़ में सत्ता के सबसे बड़े संग्राम का मैदान सज चुका है। प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट सेट कर चुकी बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, जो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी रण में मैदान मारने का मंत्र देंगे। हाँ, चुनाव नजदीक है, लोकसभा का चुनाव, और उस निमित्त हमारे सभी वरिष्ठों का आगमन होगा। हाँ, चुनाव नजदीक है, लोकसभा का चुनाव, और उस निमित्त हमारे सभी वरिष्ठों का आगमन होगा। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले कोंडागांव में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक लेंगे और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के नाम और चुनावी जीत की रणनीति बनाएंगे। बैठक में अमित शाह बस्तर, कांकेर और महासमुंद जैसी लोकसभा सीटों पर रणनीति तय करेंगे। इसके साथ ही बिलासपुर संभाग के जांजगीर में जनसभा कर चुनावी शंखनाद करेंगे। आदरणीय अमित शाह जी कोंडागांव में बस्तर क्लस्टर की बैठक लेंगे और उसके बाद जांजगीर आकर वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां से फिर बिलासपुर में सेंट्रल पॉइंट इंटरनेशनल सभागृह हाई कोर्ट के सामने प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे। माननीय अमित शाह जी के प्रवास को लेकर आम जनता कार्यकर्ता में काफी उत्साह का वातावरण है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज केंद्रीय नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव का मैदान मार चुकी बीजेपी को ये भरोसा है कि लोकसभा की सभी 11 सीटें उसी के खाते में जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, छत्तीसगढ़। और 25 फरवरी को अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। खजुराहो, ग्वालियर और भोपाल केंद्रीय गृह मंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है। 11 बजे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना प्रबंध समिति की वो बैठक लेंगे। 3 बजे खजुराहो में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। खजुराहो में लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। शाम 6 बजे भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन होना है। शाह 3 लाभार्थी परिवारों से संपर्क भी करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जांजगीर चांपा पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जो तैयारियां हो रही है उसका जायजा लिया। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा भी पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री और यहां चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए वाले कई विषय थे, सबको निःशुल्क कर दिया गया राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना अंतर्गत भी। उसके अनुसार छत्तीसगढ़ का जो खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत जो परिवर्तन किए गए हैं सब निःशुल्क किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में नया कार्ड सभी लोगों को वितरित किया जा रहा है। इधर रायपुर में हुई है कांग्रेस की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई है। दीपक बैज की अगुवाई में ये बैठक हुई है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों पर चुनावी चर्चा हुई। चुनावी रणनीति को लेकर इस बैठक के दौरान मंथन भी किया गया। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बाकायदा सोशल मीडिया साइट के जरिए इसकी जानकारी दी है। एक्स पर उन्होंने लिखा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 22,000 शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।